बार बार इस गढ़ में आ रहे हैं तो एक तो इसके बारे में बताएंगे और दूसरा सीएम के बारे में आपकी चर्चा होती रहती है शहर में और कहीं भी हम जाते हैं बैठते हैं तो ये बताते हैं कि अब की बार अशोक चौधरी सीएम होंगे। देखो ये तो लोगों का प्यार ही इतना है और जो संघर्ष करेगा लोगों के सुख दुख में रहेगा उनके लिए आगे जिसका प्रदेश को आगे बढ़ाने का विजन होगा इसकी अच्छी सोच होगी अच्छी विचारधारा होगी मैं समझता हूँ कि उसको हर जगह से प्यार मिलता है। आज राहुल जी को 5 राज्यों में हमने देख लिया कैसी सफलता मिली भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ और जहाँ तक यहाँ का सवाल है ये तो हमारा गृह जिला है मैं तो झज्जर का बेटा हूँ भाई हमारे परिवार के लोग हैं आज हमारे भाई अलावत जी इनकी माता जी की रिटायरमेंट का प्रोग्राम था और हमने तो यही कहा कि माता जी और ये परिवार इसी तरीके से पूरे हरियाणा की सेवा करें और इसको आगे बढ़ाने में जो भी हम लोगों की भूमिका हो सकती है वो भी हम करेंगे। तो देखिए एक सवाल ऐसा करना चाहूंगा शायद किसी पत्रकार ने आज तक किया नहीं होगा लोगों में ये चर्चा है कि अशोक तंवर जी पूरे हरियाणा प्रदेश को इतनी संजीदगी से संभाल रहे हैं कि आदमी एक हल्के को नहीं संभाल पाता तो सर ये इतनी एनर्जी और इतना लोगों के प्रति जो आपका भाव है ये एनर्जी आप कहाँ से लेके आते हैं? ये प्यार प्रेम आप लोगों का है हर जिमनी का घी है हर ऊपर वाले का आशीर्वाद है तो मैं समझता हूँ और लोगों के जो पीड़ा है वो देख करके जब हालात हम देखते हैं आज जिस तरीके से प्रदेश में जगह जगह जिस तरीके का लोग माहौल बनाने की कोशिश करते हैं आज गरीब की गलियां देखो गांव का पिछड़ापन देखो तो ऐसे में स्कूल अस्पताल जहां भी आप देखो सुविधाओं का अभाव है और ये सरकार जो अच्छे दिनों का वायदा करके आई थी उससे भी बुरे इन्होंने दिन दिखाने का काम लोगों को किया है तो ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ने का जो जज्बा है वही मैं समझता हूँ कि असली शक्ति है। अभी आप लोगों ने गाजर की मिठाई खवाई और चाय पियाई अब सुबह से यही खाया अभी तो मेरा खाना गाड़ी में रखा है तो मैं तो समझता हूँ कि ये नहीं होता है तो जब जज्बा होता है कहते हैं कि हौसलों से उड़ान होती है तो वही हौसला आप लोगों का दिया हुआ है आप लोगों की ताकत साथ है तो इसी तरीके से मजदूर इसमें आपकी तैयारियां बिल्कुल अगली सरकार देश के अंदर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की होगी राहुल जी के नेतृत्व में होगी और अच्छे लोग उस सरकार को संभालने का काम हरियाणा में हमारी होगी हमारी होगी हमारे अच्छे अच्छे साथियों को नेतृत्व का फैसला तो कांग्रेस पार्टी आला कमान को करना होता है। मेरा जो धर्म है कि हम 80 से ज्यादा विधानसभा जिताएं 10 की 10 लोकसभा जिताएं उसमें निश्चित तौर पर सब साथियों के सहयोग से प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हमें कामयाबी मिलेगी। ठीक है।